जय हिंद और माय डियर कैडेट्स। तो आज एक नया वीडियो लेके हम आ गए हैं हमारे चैनल पे। तो हम आज जो नए नए कैडेट ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको नहीं पता कि लाइनियर कैसे लगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लाइनियर को लगाते कैसे। पहले जब नया आप लाओगे खरीद के या भी आपको लाइनियर मिलेगा तो ऐसे अलग आएगा पूरा। तो आप देख लो पूरे, तो देख लो आप पहले लाइनियर ऐसे आएगा आपको, तो ऐसे करके लगाना है। पिन आपका जो लग रहा है इसमें, इसको ऐसे लगा देना है ऐसे करके। और ये वाला जो भाग है कंधे के समांतर ऐसे रहेगा, ये वाली साइड में ऐसे लाइनियर लगाना, ठीक है ऐसे। चलो मैं आपको देखा था प्रैक्टिकल करके। कैडेट्स ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो ये घाट वाला हिस्सा है, ये वाला यानी कि जो हुक को पार किया था हमने, ये वाला आगे रहेगा और ये वाला हिस्सा जो है पीछे रहेगा। आप देख सकते हो ये यहाँ पे, एक बार लगा लो इसको, ठीक है। हाँ ये वाला हिस्सा पीछे रहना चाहिए, जो पिन जो हमने लगाई आगे से जहाँ से पार किया, ठीक है, वो आगे रहेगा। तो ऐसे हमने लगा दिया। अब इसको ये बटन लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये पीछे वाला, अभी ये हम लगा पीछे वाला बटन क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे हाथ को सील करो एक बार ये फ्री, ठीक है। ये फ्री करोगे ये लाइन यार इधर खिसक जाएगा, ठीक है। लाइन यार अपनी जगह से खिल गई, ये बार बार इधर आ जाता है, तो इसके लिए ये पीछे वाला बटन दिया जाता है। और ये यहाँ पे भी हमको ऐसे बटन सेम टू सेम ऐसे लगा देना। ये लगा दिया, इतना हो गया, ठीक है। ये वाला पिस्सा आप ये एडजस्ट करके, ठीक है, ये हो गया। अभी हम कई कैडेट क्या लगाते हैं कि यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ये पिन लगा दिया उसके बाद ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। और आपका ये छोड़ने के बाद ये जो पिन है हुक ये वाला, ठीक है, ये बाहर दिखता है, तो ये आपका सही तरीका नहीं है। तो इसको क्या करना है, इसको अंदर ले जाने के लिए यहाँ पे ये प्रेस किया, यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, और इसके बाद ये बटन को बंद कर देना है यहाँ से, ये बटन लगा दिया। अब आप देख सकते हो पूरा लाइन यार्ड कम्प्लीट है और यहाँ पे ये पिन भी नहीं दिख रही, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना।